हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए डेली करंट अफेयर्स। आज 20 फरवरी है, आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी असम, डी हिमाचल प्रदेश। आपको आंसर बता दें, आंसर ए जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है इंडोर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी अमेरिका। आपको आंसर बता दें, आंसर सी भारत। आपको याद रखना है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। आपको याद रखना है कौन करेगा? भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन, हज प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बना है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी कुवैत, डी इंडोनेशिया। आपको आंसर बता दें, आंसर ए भारत। आपको याद रखना है हज प्रक्रिया 100% डिजिटल बनाने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। आपको याद रखना कौन बना है? भारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो, एक रिपोर्ट के अनुसार 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के साथ पहले स्थान पर है ए विराट कोहली, बी नरेंद्र मोदी, सी रोहित शर्मा, डी राजनाथ सिंह। आपको आंसर बता दें, आंसर ए विराट कोहली। आपको याद रखना है 50 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के साथ पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। आपको याद रखना है कौन है? विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? ए 16 फरवरी, बी 17 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 19 फरवरी। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 19 फरवरी। आपको याद रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः, रियल टाइम डेटा सर्विसेज के सीईओ के कौन बने हैं? ए अमरेंद्र सिंह, बी विनय छाबड़ा, सी अभिनव शर्मा, डी हर्षवर्धन। आपको आंसर बता दें, आंसर बी विनय छाबड़ा। आपको याद रखना है रियल टाइम डेटा सर्विसेज के सीईओ कौन बने हैं? विनय छाबड़ा। आपको याद रखना कौन बने हैं? विजय छाबड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत कहाँ हुई है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। आपको आंसर बता दें, आंसर ए नई दिल्ली। आपको याद रखना है कहाँ शुरू हुई है एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर आठ, लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ए रिकी पोंटिंग, बी सचिन तेंदुलकर, सी राहुल द्रविड़, डी सौरभ गांगुली। आपको आंसर बता दें, आंसर बी सचिन तेंदुलकर। आपको याद रखना है ये अवार्ड किसने जीता है? सचिन तेंदुलकर ने। किसने जीता है? सचिन तेंदुलकर ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नौ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी असम। आपको आंसर बता दें, आंसर ए बिहार। आपको याद रखना है प्यार का पौधा अभियान किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। किसने किया है? बिहार सरकार ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राधा किशन दमानी भारत के अमीर व्यक्तियों में किस स्थान पर हैं? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। आपको आंसर बता दें, आंसर बी दूसरे। आपको याद रखना है राधा किशन दमानी भारत में किस स्थान पर हैं अमीर व्यक्तियों में? दूसरे स्थान पर। या किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। कौन है? राधा किशन दमानी। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही करंट की वीडियो लाते रहेंगे।
धन्यवाद।